नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि अगर आप भी अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप कैसे बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, तो आपको मैं आप दो तरीके बताने वाला हूँ। एक, आप केवल मिस कॉल करेंगे एक नंबर पे तो आपका बैंक बैलेंस ऑटोमेटिक बता देगा मैसेज पे, और दूसरा ऑप्शन है कि आपको मैसेज करना है। तो दोस्तों, दोनों ऑप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, लेकिन जब आप एसएमएस करेंगे तो उसका चार्जेस कटेगा। तो आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ आपको करना क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले मिस कॉल करनी है। आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर से मिस कॉल करनी है, तो जो मोबाइल नंबर रजिस्टर हो उसी से मिस कॉल करनी है। तो यहाँ पे एक नंबर मैं आपको बता देता हूँ, इस नंबर पे आपको मिस कॉल करनी है। आप देख सकते हैं 8468001, इस पे आपको मिस कॉल करनी है और रजिस्टर मोबाइल नंबर से करनी है। तो यहाँ पे मेरा वोडाफोन का रजिस्टर मोबाइल नंबर, तो इस पे क्लिक कर देंगे। इसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से मिस कॉल देनी है और मिस कॉल कट जाएगी। जैसे मिस कॉल कट जाएगी तो दोस्तों, उधर से आपको एक या दो मिनट के अंदर एक मैसेज आ जाएगा जिससे आपका जो है वो बैंक बैलेंस यहाँ पे शो होने लगेगा। वो आपको बैंक बैलेंस बता देगा, मैसेज आएगा। तो दोस्तों, आपको वेट कर लेना है। तो सबसे पहले दोस्तों, एक ऑप्शन ये है, और दूसरा ऑप्शन दोस्तों ये है कि आपको जाना है मैसेज बॉक्स में। मैसेज बॉक्स में जाना है और यहाँ पे आपको प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करके आपको यहाँ पे एक नंबर टाइप करना है जिस पे आपको एसएमएस करना है। तो 8422009988, इस पे मैसेज करना है। और मैसेज में आपको लिखना है आपका लास्ट BAL लिखना है और लास्ट आपका डिजिट लिखना है। तो यहाँ पे BAL लिखना है और फिर उसके बाद लास्ट आपको डिजिट लिखना है 3। सो दोस्तों, मिस कॉल करने के बाद यहाँ पे बैंक के बैलेंस का ये देख सकते हैं मैसेज आ गया है कि इतना बैंक का बैलेंस है, तो यहाँ पे सो रहा है। अब दोस्तों, आपको दूसरा ऑप्शन मैं बता देता हूँ। दूसरा ऑप्शन मैं बता ही रहा था तभी ये मैसेज आ गया, तो मैंने इसको ओपन कर दिया। अब दूसरा ऑप्शन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। तो दूसरा ऑप्शन में आपको करना क्या है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि ये ऑप्शन आपको मिल रहा है, और ये देखिए आपको यहाँ पे ये मोबाइल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और दोस्तों, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का है, अलग अलग मोबाइल नंबर यूज करना है। अगर आपका बैंक दूसरी ब्रांच में है तो आपको दूसरा मोबाइल नंबर यूज करना है, और वो सभी मोबाइल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। BAL लिखने के बाद आपको लास्ट के 3 डिजिट अपने बैंक अकाउंट का लिख देना है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैंक अकाउंट नंबर, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है ये, और सेलेक्ट करने के बाद आपको वोडाफोन से भेजना है या जियो से, तो यहाँ से क्लिक करके आप यहाँ से भेज सकते हैं। तो भेज दीजिए और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं मैसेज सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मैसेज सेंड कर तो दोस्तों, जैसे मैंने मैसेज सेंड किया, यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि मैसेज आ गया और इधर मैसेज वापसी आ गया, यहाँ पे आपका बैंक बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।